अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जब से कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में आई है तब से बीआरएस पार्टी को छोड़कर कई लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। शामिल होने की वजह आवाम की खिदमत करना नहीं बल्कि अपने गलतियों को छुपाना और जो गलत काम किए हैं उस पर पर्दा डालना, यही वजह है कि कई लोग पार्टी बदलते हैं, क्योंकि रूलिंग पार्टी जो होती है उसको सपोर्ट मिल जाए, यही वजह से ये लोग पार्टी बदलते हैं। लेकिन आवाम का ये नहीं सोचते। जो आवाम जो बैनर को देखकर वोट डालती है उनको धोखा दिया जाता है, ये अब नया एक खेल चल रहा है। बहरहाल ऐसा ही एक मामला सामने आया, मलकाजगिरी के इंचार्ज मनपल्ली हनुमंतराव फोन पर एक शख्स को वार्निंग देते हुए नजर आए। ये शख्स नरसिम्हा है जिसके ऊपर 307 लैंड ग्राबिंग जुमला 22 केसेस दर्ज है। ये बीआरएस पार्टी का था और बहुत लोगों को ये सताया, अब ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा है। यही वजह से हनुमंतराव ने फोन करते हुए कहा कि कोई भी अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा है तो यहाँ पर लैंड ग्राबिंग नहीं चलेगी, यहाँ पर लोगों को जो सताया जाता है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा जो ये नियत से आकर पार्टी में शामिल होते हैं कि यहाँ पे आकर फिर से वही धंधा करेंगे। अगर ऐसा होगा तो पीटीए एक्ट लगाया जाएगा, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इस तरह का मनपल्ली हनुमंतराव का कहना था। नाज़रीन, एमएलसी राजू नामी जो केटीआर के बहुत करीब माने जाते हैं, उनका खास आदमी नरसिम्हा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की बात पर मनपल्ली हनुमंतराव ने ये खुलासा कर दिया कि अवाम की खिदमत करना है तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन लैंड ग्राबी करना, लोगों को सताना, धोखा देना, अगर इस नियत से आने का सोच रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नवीन कुमार के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। నరసింహా నేను మైనంపల్లి హనుమంతరావు చెప్తున్నాను. ఈ పిచ్చి పిచ్చి చిల్లర రెక్కలు చేసి తర్వాత ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ ఉన్నాయి, కేసు పెట్టి నేనే లోపడేపిస్తా. పార్టీలో జాయిన్ అంతా మాత్రం ఒప్పుకోను నేను. మొత్తం ఎన్ని దాదాపు 100 మంది వచ్చి ఇప్పుడు నీ అగైనెస్ట్ గా నువ్వు ఫోటోలు పెట్టకెళ్ళా, వాట్సాప్లలో పెట్టకు. మంచిది, ఓకే.